कहते हैं कि सियासत और जंग में सब जायज है, और कुछ ऐसा ही गाजीपुर के बसपा सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने सियासी दांव अपने सांसद निधि को लेकर चला है। इन्होंने अपना सांसद निधि से किसी बड़े काम को कराने के बजाय प्रत्येक ग्राम सभा में 200-200 मीटर की सीसी रोड का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज रहे हैं, जिससे कि उनकी निधि को भ्रष्टाचार से एक तरफ बचाया जा सके तो दूसरी तरफ गांव में उनकी निधि का उपयोग हो जाए और आने वाले चुनाव में इसका सियासी लाभ भी मिले। आज एक कार्यक्रम के दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 14वीं लोकसभा में सांसद रहने के दौरान भी उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ग्राम सभा में सीसी रोड का निर्माण कराया था और मौजूदा वक्त में भी फैले हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए अपने निधि को सही जगह पर और बिना कमीशन के प्रयोग करने के लिए अब तक ग्राम पंचायत में करीब 652 प्रस्ताव लिख चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त किसी भी विभाग में निर्माण कार्य करने के लिए 21% विभाग कमीशन लेता है, 1% ठेकेदार और 18% GST जो मोदी और योगी टैक्स है उसको लिया जाता है। ऐसे में जो शेष बचता है उससे काम होता है। अंदाजा लगा ले कि कार्य कितना गुणवत्तापूर्ण होता होगा। तो आपकी निधि के लिए सैकड़ों ग्राम प्रधानों का आपने प्रस्ताव दिया, विपक्ष कहता है ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। अफजाल अंसारी काम नहीं कर रहे हैं ये भी विपक्ष कहता है, और आप ही माइक लगाते हैं, कुछ काम बताओ। हमने आज काम बता दिया है, उसको पहले जाके चेक कीजिए। आप लोगों को धुंधलावन लगता है, पहले आप सैदपुर की इन सड़कों को जिनको मैंने मंच से ऐलान किया है इसको करिए, और अगर बन गई है तो इसको दिखाइए कि हाँ उन्होंने जो कहा है वो किया है। दूसरा, हम पिछली बार जब 14वीं लोकसभा में सांसद थे तब तो भी हमने सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधानों को बजट दिया था अपने गांव में सीसी रोड बनाने के लिए, और बनी उन दौर की सड़कें आज भी है। हमने यही तय किया इस बार भी, ये भ्रष्टाचार ये बेईमानी से मुक्ति पाने के लिए किसी विभाग को अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं 21% विभाग कमीशन ले रहा, जब वो टेंडर करता है तो 18% GST के नाम पे योगी मोदी का हिस्सा कट जाता है, और उसके बाद जब कोई ठेकेदार लेके काम कराने जाता है तो 25% वो घोट जाता है, तो पैसा बचा का काम होने का। हमने प्रधान के खाते में देने की सिफारिश कर दी और कटा है चेक। जाइए विकास भवन में पूछिए कि अफजाल अंसारी के प्रस्ताव पर ग्राम प्रधानों को चेक नहीं कटा। हाँ कटा है। अब बाधा डाली जा रही, अब बाधा रोकी जा रही कि अरे भाई वो ऐसा है कि बहुत ज्यादा इससे तो बड़ा तड़का बन जाए। वो लोग समझ रहे थे कि अफजाल अंसारी की जो निधि रिलीज हुई है 7.5 करोड़ रुपया फिर निधि शुक्रवार के दिन आने वाली है, ये हमको वही PD ने बताया। अभी इन्होंने 1 मार्च को ये हिसाब भेजा है कि अफजाल अंसारी के खाते में जो यहाँ सांसद विकास निधि का खाता है उसमें 3 करोड़ से कम धनराशि हो गई। 3 करोड़ से कम होगी तो दिल्ली में जो धनराशि है वो आ जाएगी। ये उसी को रोके हुए थे कि 3 करोड़ से ऊपर ही यहाँ बचा के रखिए, वो धनराशि ना आए। जब वहां से 8 फरवरी को लेटर आया है MPLATS स्कीम के लिए कि आप ऑडिट करा के रिपोर्ट भेजिए और उनकी निधि के जो प्रस्ताव उनका चेक काटिए, तब इन्होंने 1 मार्च को चेक काट के उनको भेज दिया कि अब 3 करोड़ से नीचे हो गई, आप वहां से इनकी बाकी धनराशि भेजिए। तो 7.5 करोड़ की वो धनराशि जो दिल्ली में फंसी हुई थी वो शुक्रवार को आ जाएगी। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन भी प्रस्ताव देंगे, हम चाहेंगे चुनाव घोषणा होने से पहले 10 रुपया उस खाते में न बचे, क्योंकि वह खाता गाजीपुर की जनता का खाता है, उनके हिस्से। आपको ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से गाजीपुर की जनता को, देश को ये बताना चाहेंगे कि जब हमें डिस्क्वालीफाई किया गया सजा के आदेश को आधार बनाकर, जब हमें अयोग्य घोषित किया गया चुनाव लड़ने से, और जब हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर सजा के आदेश को निलंबित किया गया, तब उसके साथ शर्तें लगाई गई। अब यहां सत्ताधारी दल के लोगों ने 14 दिसंबर को आदेश